शहर इकबाल सियालकोट विच निक्के बालां दी मियारी तालीमो तरबियत दे सिलसिले विच संगे मील अबूर कीता गया। आलमी मयार दे तालीमी इदारे हालवे हुण सियालकोट विच भी अपनी खिदमात पेश कर रहे ने। इस सिलसिले विच 4-स्टार होटल अंदर तकरीब दा प्रबंध कीता गया, जिदे विच मां प्यो ते मुअज्जज़ीने शहर ने वड्डी तादाद विच रलत कीती। इस मौके उत्ते गलबात करन वाले आखिया के मयारी तालीम ही कौम नूं रोशन मुस्तकबिल दे सकदी है। टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके लिए हम लोगों ने अपनी क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स, आई टैब्स, प्रोजेक्टर्स और आगे मैम ने आपको एक वीडियो भी दिखाई है, 4D+ कार्ड्स को, फ्लैश कार्ड्स हैं, उनको हम लोग प्लेस करते हैं कैमरे के सामने। जो भी उसके ऊपर एनिमल है या एनीथिंग, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो 4D के फॉर्म में आके उठ के खड़ा हो जाता है। वो फ्रेंकली जब मैंने पहली दफ़ा वो देखा था, आई वॉज सो एक्साइटेड। और आप लोग कभी क्लास में बच्चों की एक्साइटमेंट्स देखें उस चीज़ को। मेरा काम बच्चे को सिखाने का वो 75% ईजी हो जाता है, वो क्लास में इन्वॉल्व हो जाता है, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। उसके बाद आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए माओ का शौर जो है वो बहुत सी, माओ का सेंसिबल होना बहुत ज्यादा सी, माओ का लविंग होना बच्चों के प्रैक्टिस के लिए इंतहाई जफर। ऐसे स्टूडेंट्स में से है जो अपने उस्तादों को नहीं भूला, वो गाय बगाए फोन पे आकर भी मिलता रहता है, मशवरा भी लेता है, उस पर अमल भी करता है, उसको बेहतर भी करता है। इसको मैं अगर ये मसाल दूँ कि ये एक ऐसी शाख की तरह है जो दर्द के साथ जुड़ी रहती है, हरी बनी रहती है, तो मेरे ख्याल में ये गलत ना हो। अगर तंजील जफर अपने साजा की इतनी इज्जत करता है तो यकीनन अपने माँ बाप की भी इज्जत करता होगा, और ऐसे लोग हमेशा जिंदगी में कामयाब रहते हैं। और मैं इसके लिए दुआ को भी हूँ कि अल्लाह पाक इसे हमेशा कामयाब रहे। द वे टू योर ब्राइट फ्यूचर, बहुत अच्छा सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये तो कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ जो एक बाप है ख़ास तौर पे और एक माँ जो है, बड़ा भाई है, आप इकट्ठे बैठा करें, कलेबोरेशन खाली स्कूल में ना करें, अपने घर के अंदर कम अज़ कम एक घंटा ज़रूर अपने बच्चों के साथ, बेटा आज यार बताएं क्या किया, और उस वक़्त ऐसे ही लगे जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। मेरा ये वालदैन से एक ही सवाल है कि ये इदारा बना है सिर्फ बिल्डिंग, उसके अंदर आपके बच्चे और आप लोगों ने तरबियत करनी और करवानी है। हमारी तरफ से जो इसमें हमारा हिस्सा है वो हम अदा करेंगे, और इसके लिए आगे जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी पूरी। हमारा क्या रोल है बच्चों को मोटिवेट करने के हवाले से, इसके कितने फ़ायदे हैं, क्या सिर्फ फ़ायदे हैं या नुकसानात है, क्या सारे नुकसानात हैं, ये बताना हमारा काम है। आप लोग ख़ास तौर पे जो हमारी सोसाइटी में जिस बंदे का जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। हम उससे आगे बढ़ के बात करते हैं कि हक की नहीं, तालीम हासिल करना हर बच्चे का फर्ज है। हक छोड़ा जा सकता है, फर्ज छोड़ा नहीं जा सकता। उचेचे परौने सियालकोट बार दे नायब सदर ते मुल्क दी अहम कारोबारी शख्सियत महर कदीर अहमद सन, उन्होंने अपने खिताब विच हॉलवे इंटरनेशनल स्कूल्स दी सियालकोट विच मौजूदगी नूं सराहंदे होए आख्या कि ए साडे शहर लई किसे फखर तो घट नहीं। कितनी मोहब्बतों से पढ़ाया पहला सबक मुझको, कितनी मोहब्बतों से पढ़ाया पहला सबक मुझको, मैं कुछ ना जानता था सब कुछ सिखाया मुझको, फलक तक पहुंचा दिया उस्ताद ने मुझको, फलक तक पहुंचा दिया उस्ताद ने मुझको, वाकिफ ना था जरा भी इतने बड़े जहां से। हॉलवे स्कूल सिस्टम दा इफ्तिताह अहले इलाका लई किसे वड्डी खुशबरी तो घट नहीं है, जिथे बालां नूं निहायत मुनासिब फीस दे नाल आलमी मायार दी तालीम दिती जावेगी।